हेलो दोस्तों, चामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सैमसंग का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें समस्या आवाज़ नहीं आ रही है, चित्र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑन हो गया, मैं वीडियो दबाता हूँ। देखिए वीडियो तो आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है, ये हम ठीक करेंगे। अब हमने टीवी को खोल लिया है और इसमें हम वोल्टेज साउंड आईसी के चेक करेंगे, हमारा साउंड का प्रॉब्लम है इसलिए। पहले मैं यहाँ पे साउंड स्पीकर एक जोड़ लेता हूँ आवाज़ के लिए। पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं और हम पहले ऑन कर कर देखेंगे। मैं लाइन देता हूँ, यहाँ पे ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है, ये ऑन हो गया, 125 वोल्ट आ रहा है। यहाँ से हमें साउंड के लिए, ये हमारा साउंड सेक्शन है, यहाँ पे हमें 12-13 वोल्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे मीटर पे 14 वोल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ से वीडियो करता हूँ। देखिए मैं वीडियो ऐड कर देता हूँ पहले। यहाँ पे हमारा वोल्ट आएगा, ये देखिए यहाँ पे मीटर में 14 वोल्ट आ रहा है। इसका आधा वोल्ट, 7 से 6 वोल्ट हमारा यहाँ स्पीकर पे मिलना चाहिए। देखिए 7 वोल्ट मिल रहा है। हमारी ये मैं अटैच करता हूँ, आवाज़ आ रहा है, साउंड आईसी हमारी बिल्कुल क्लियर है। अब हमें दूसरा तरीका अपनाएंगे, या हमारी सिस्टम में प्रॉब्लम है और हमारी एक मेमोरी आईसी यहाँ पे आती है, ये हम पहले चेंज करके देख लेते हैं। ये हमारी आईसी, मेमोरी आईसी यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आ रहा है। ओके, अब हम ये मेमोरी आईसी चेंज करेंगे। देखिए ये हम यहाँ से हटा लेंगे ये आईसी, यहाँ पे हम इस, ये 24 होल मेमोरी आईसी है, यहाँ पे हम ये दूसरी डालेंगे। इसको हम, इसमें जो कोई भी डेटा होगा ये हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से मैं 1600 पे लेता हूँ, 32 हो गया। फिर से यहाँ से हमारा इरर्स एटले डिलीट हो जाएगा। और यहाँ चेक, ये हमारी मेमोरी यहाँ पे चेक करेंगे, वो ये हमारा कॉपी का ऑप्शन है। पहले हमें तो इसे डिलीट डेटा करना है, इसलिए मैं यहाँ एरर पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा डेटा, देखिए ये हमारा हो गया है। मैं पहले इसे बंद कर लेता हूँ और यहाँ से निकाल कर मैं इस पर लगा दूँगा।
यहाँ पे। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी चल रही कुछ टाइम ए टाइम लेगी फिर ऑन होगी। ये हमारी स्टैंड बाई की लाइट है। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, देखिए हमारी ऑन होगी। यहाँ पे हम डिस्प्ले में फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो हमारी डिस्प्ले आ रही है। देखिए मैं पहले सेट कर लेता हूँ। ये देखिए हमने दूसरी मेमोरी भी डाली, कोई भी हमारा आवाज़ नहीं आ रहा है। अब हम इसका सर्विस मेनू खोलकर हम आवाज़ लाएंगे इसका। ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया। मैं ये भी पे लगाता हूँ, देखिए आवाज़ नहीं आ रहा। अब मैं इसका स्टैंड बाय में करूँगा। पहले इसका हमें सर्विस मेनू खोलना है। ये आप कोड नोट करके रखिए, सैमसंग का अलग ही आता है सर्विस मेनू खोलने का कोड। ये देखिए यहाँ से नज़दीक से दिखाऊँ मैं, ये हमारा पहला वाला इन्फो मेन्यू म्यूट और पावर, इससे हमारा सर्विस मेनू खुलेगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ। इन्फो मेन्यू म्यूट पावर, यहाँ पे हमारा दिखाओ यहाँ पे सर्विस मेनू खुलता है या नहीं। ये देखिए ये हमारा सर्विस मेनू खुल चुका है। अब मैं इसमें चेक करूँगा, देखिए ये हमारा खुल रहा है। ये हमारी साइज पोले या ज़्यादा करने के लिए यूज आती है। ये हमारा काम नहीं है इसमें करना, हम साउंड सेक्शन में काम करना है। यहाँ पे ये वाला और यहाँ जाएंगे। ये देखिए सिस्टम सेटअप ऑडियो, यहाँ है मोनो है, इसकी जगह हमें स्टूडियो करना है। ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए ये स्टूडियो हो गया। अब मैं सारे सेटिंग यहाँ पे देख लेता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे नज़दीक से एम ए ऑडियो सेक्शन एल एस स्टूडियो कर लिया है। पहले मोनो था, अब मैं स्टूडियो में करके इसका पावर बटन ये देखिए ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये ऑफ हो गया हमारा टी। ये देखिए आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं ऑन किया, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। देखिए ये हमारा वीडियो का बटन है, ये मैं दबा हुआ। देखिए हमारा आवाज़ देखिए आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम कई बार होता है, हमें सर्विस मेनू से कोड से करना पड़ता है। हमने सारा रिपेयरिंग कर लिया था पहले, तो भी हमें कुछ समझ नहीं आया। और ये हमें पहले से पता था इसका सर्विस मेनू खोल के हम इसे स्टूडियो कर देंगे, मोनो हो गया होगा। हमने स्टूडियो कर दिया, ये देखिए आवाज़ आ गया। ये है ना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।